आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और इस वीडियो में हम आपको जो आपकी जो बचे हुए डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। डाउट्स जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने जो स्टेज वन का एग्जाम दिया उसका रिजल्ट कब आएगा, और हमारे मार्क्स अगर इतने हैं तो क्या उस मार्क्स में कभी सेलेक्शन होता है, स्टेज टू के लिए कितनी सीट्स हैं और स्टेज वन के बाद कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। कुछ ऐसे डाउट्स बच्चों के मन में हैं और बच्चे काफ़ी हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं। सबको हमने कोशिश की रिप्लाई करने की कुछ, फिर भी जो कॉमन यहाँ पे जो क्वेश्चन थे उनका मैंने एक सॉल्यूशन यहाँ पर बनाया है। आपका अगर डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको थोड़ा मोटिवेट भी होंगे और आप स्टेज टू की तैयारी भी स्टार्ट करेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका 13 दिसंबर को 2020 का, एक्चुअली एग्ज़ाम नवंबर में ही हो जाता है बट इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से लेट हुआ, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ। ये जो एग्ज़ाम होता है 13 दिसंबर, मतलब कुछ स्टेट, मैंने एक जस्ट एग्ज़ाम्पल लिया मध्य प्रदेश का, बाकी सभी स्टेट के कुछ के एग्ज़ाम अभी होने बाकी हैं। और जब भी एग्ज़ाम होगा इन सब का जो रिजल्ट है वो आपका मार्च में डेफिनेटली आ जाएगा। मार्च में इसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से आ जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है, पहले तो मई में शेड्यूल था बट अब क्या हो गया, CBSE की जो डेट है वो इस तरीके से आ गई कि आपका 4th ऑफ मई से अब 10th ऑफ जून तक एग्ज़ाम होगा। तो इस हिसाब से अब जो नई डेट आई है वो 13th जून हो गई है, यानी आपका जो स्टेज टू का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका यहाँ पर 13 जून को होगा। स्टेज वन का एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पे इसलिए हुआ था क्योंकि इसको स्टेट अपने हिसाब से कंडक्ट करवाती है, और स्टेज वन का जो एग्ज़ाम होगा, सॉरी स्टेज वन का एग्ज़ाम स्टेट कंडक्ट करवाती है, स्टेज टू का जो एग्ज़ाम होगा उसको NCERT खुद कंडक्ट करवाती है। तो NCERT खुद इसलिए कंडक्ट करवाती है क्योंकि इसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, और कुछ और कंडीशंस होती हैं फिर उसके बाद स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो स्टेज वन के बाद कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है। उनका कहना है कि सर सीट इतनी कम है फिर आप इतना ज़्यादा कैसे बता लेते हैं कि स्टेज टू के लिए ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 800 बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है सपोज, तो क्या हम स्टेज वन से सिर्फ 800 बच्चों को ही सेलेक्ट करेंगे जो स्टेज टू में बैठेंगे? फिर तो ऐसे में तो चाहे बच्चे कुछ भी ना लिखें तो भी इनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टेज टू के लिए ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, नीचे मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ओरिजिनल रिजल्ट जो अभी जो प्रीवियस रिजल्ट था स्टेज टू के लिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके मार्क्स किस तरीके से आए हैं, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज देखिए, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी बिलीव होगा कि आप आगे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर जब स्टेज टू का जो एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट कब आएगा, तो उसका रिजल्ट अगस्त में, 2 अगस्त तक में, मतलब 2 अगस्त की बात कर रहे हैं, मतलब अगस्त लगभग स्टार्टिंग वीक में इसका रिजल्ट भी आपका आ जाता है। अगस्त में अगर स्टार्टिंग में नहीं आता तो लास्ट लास्ट तक आपका अगस्त तक तो आपका जो रिजल्ट है वो पक्का आ जाएगा। तो इसके बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी जो प्रोसेस होंगी वो वेरीफाई होना चालू हो जाएंगी, उसमें फिर आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा अलग से, ठीक है। वो डिटेल मैं आपको अलग से बताऊंगा जब आपका बाद में स्टेज आएगा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि जो रिजल्ट रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। जो रिजल्ट में आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, कैटेगरी रहेगी, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और मैटोसेट का स्कोर रहेगा, स्कूल का नेम रहेगा, और फादर्स और मदर्स का भी नेम यहाँ पर रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम रिजल्ट देखते हैं 2019-20 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, ठीक है। यहाँ पे NTSC और NMMS एग्ज़ाम यहाँ पर दोनों का इस तरीके से दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको इस सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था स्टेज वन का, देखिए स्टेज टू का एग्ज़ाम तो अभी भी नहीं हुआ है, स्टेज वन का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था यहाँ पे, ये 17 तारीख 3 तारीख को ये नोटिस रिलीज किया गया। एक्चुअली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था इनका 3/11, सॉरी इनका परीक्षा जो हुआ था यहाँ पे, उपरोक्त विषयगत, हिंदी थोड़ा कठिन है, लेख है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2019-20 का परीक्षा दिनांक 3/11/2019, जो इस तारीख को एग्ज़ाम हुआ था 3/11/2019 को घोषित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम चयन परीक्षा है, फर्स्ट स्टेज की जो परीक्षा है उसका यहाँ पर आपको परिणाम यहाँ पे दिया जा रहा है मेरिट सूची के आधार पे। तो कब रिलीज हुआ था ये भी, ये हुआ था आपका
यहाँ पर मार्च में ही देखिए, तीसरा महीना यानी मार्च में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। तो मार्च में फिर से इस बार आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट किस प्रकार से आता है देखिए, हम यहाँ पे अगर टॉपर सबसे रैंक बाय रैंक यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट रैंक किस बच्चे की थी, तो टोटल मार्क्स जो यहाँ पे पहले थे, टोटल मार्क्स यहाँ पे मैट में इस बच्ची ने 100 मार्क्स गेन किए थे, और सेट में इस बच्ची के यहाँ पे कृतिका पाटीदार नाम है, इन्होंने 95 मार्क्स सेट में गेन किए थे, तो टोटल इनके मार्क्स थे 195। और आपको पता है कि इंडिया महान देशों का लोग है, तो इसमें एक महान बच्ची ये भी थी। और इनके साथ साथ और भी बच्चे थे यहाँ पे, तनिष्का गोस्वामी और यहाँ पे मोनांक विजयवर्गीय, तो इस तरीके से यहाँ पे तीन बच्चे हैं और तीन बच्चों ने लगभग सेम मार्क्स यहाँ पर गेन किए हैं। और ये तो थे ओबीसी बच्ची थी कृतिका, तो यहाँ पे ओपन कोटा में आ जाएगी। बाकी यहाँ पे अनरिजर्व कोटा से बाकी जो बच्चे थे, मोस्टली जो बच्चे हैं वो वहाँ यहाँ पे अनरिजर्व कोटा से हैं, जिन्होंने बाकी मार्क्स गेन किए हैं, 193 वगैरह देख सकते हैं आप इस तरीके से। फिर हम इसके बाद देखते हैं, तो 192 मार्क्स है इन पर इनका सिलेक्शन हुआ है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी से है मोस्टली, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आप देख लीजिए कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था जब हम गए थे स्टेज 1 के बाद। तो हम चलते हैं सीधे 181 भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी इनका सिलेक्शन हुआ था। और थोड़ा हम लास्ट में चलते हैं जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लगे, अभी हम एकदम लास्ट में नहीं है। यहाँ पे एसटी कैटेगरी की देखें तो 138 मार्क्स, 139 मार्क्स इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे जो नन लिखा हुआ है डिसेबिलिटी स्टेटस है, यानी कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो इनका यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी स्टेटस नहीं है और इनका इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे स्कूल का भी नाम लिखा हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय, स्कूल का नाम भी यहाँ पर इनका लिखा हुआ है। इसमें पेरेंट्स का नाम नहीं लिखा है लेकिन प्लेस का नाम जरूर लिखा हुआ है, कहाँ से हैं, तो बैतूल से हैं और दमोह से हैं, उज्जैन से हैं, यानी इनके जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हैं वो उनका यहाँ पर नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में कैटेगरी लिखी हुई है और मेल फीमेल भी लिखा हुआ, उनका रोल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए पिछले साल थोड़ा सीट कम थी, इस बार सीट थोड़ा बढ़ गई हैं। पिछले साल मतलब पिछले साल की अगर बात करें तो सीट बहुत कम थी, हर साल सीट बढ़ती हैं, एनसीईआरटी सीट बढ़ाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का 135 में भी सिलेक्शन हुआ है, ये एसटी कैटेगरीज हैं, और मैं आपको बाकी दूसरे कैटेगरीज में भी दिखाऊंगा आपको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना का सिलेक्शन हुआ है, हम सबसे लास्ट चलते हैं, ठीक है। आप इसको नेट पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे लास्ट में, ओके। तो सबसे लास्ट जो सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा आने में टाइम लगेगा, ओके। देखिए तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पे 105 में सिलेक्शन हुआ, बट इनकी डिसेबिलिटी स्टेटस भी यहाँ पे कुछ ना कुछ थी। पिछले साल जो बच्चों का सिलेक्शन था ना, 554 बच्चों का सिलेक्शन किया गया था, ठीक है, बट पिछले साल सीट्स बहुत कम थी और उस हिसाब से इनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंड, ठीक है। और यहाँ पर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें, ये तो डिसेबिलिटी स्टेटस में आपको मैंने दिखा दिया 105 मिनिमम मार्क्स थे, और इसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दिखाता हूँ, अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे देखिए 137, 136, इसमें डिसेबिलिटी स्टेटस नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी है बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सिलेक्शन यहाँ पर आपका 126, 121, इवन 120 पर भी इनका सिलेक्शन हुआ है। आई थिंक 120 इनका सबसे ज़्यादा सबसे मिनिमम है, और फिर उसके बाद जो नहीं मिनिमम नहीं है, अभी और भी है, 114 पे भी सिलेक्शन हुआ है, यानी 107 पे भी अनरिजर्व का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। इतना ही नहीं और कम गया, ये देखिए 99 पर अनरिजर्व का ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। 86 यानी यहाँ पर मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ है वो आपका 86 मार्क्स पे हुआ है, यानी उसने कट ऑफ जस्ट पार किया था, देखिए मैट में 41 और 45 इनका था सेट में, तो भी इनका सिलेक्शन हो गया था अगले स्टेज के लिए। इनका नाम है स्वाति परिहारे, यहाँ पे डिब्रूगंज, क्या नाम है इनका, नाम कुछ भी हो सकता है, डबरा यहाँ पे जगह का नाम है, ग्वालियर की हैं,
तो रूरल यहाँ कैटेगरीज थी, यहाँ पे इनका सिलेक्शन 86 मार्क्स ईडब्ल्यूएस, यानी अगर आपने फॉर्म ईडब्ल्यूएस से भरा है तो आपको डेफिनेटली बहुत कम नंबर में भी सिलेक्शन अगले स्टेज के लिए मिल जाना है, ठीक है। और फिर हम अगर सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे बात करें तो एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अनरिजर्व स्टार्ट हुआ, एसटी कैटेगरी आपका मिनिमम 135 मार्क्स, जबकि पिछले साल काफ़ी सारे बच्चे बैठे थे, इस बार तो आधे से भी कम बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, तो कट ऑफ इस बार और कम जाना है। मैं जस्ट एक सैम्पल दिखा रहा हूँ आपको, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले लेना है, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं है। और एससी कैटेगरी का अगर हम देखें तो यहाँ पे एससी कैटेगरी का 157 मार्क्स मिनिमम गया था पिछली बार, इसके बाद एसटी स्टार्ट हो गए। और हम यहाँ पे फिर इसके बाद देखते हैं एक और कैटेगरी, और इसके बाद की कैटेगरी है हमारी, आ जाते हैं ओबीसी। ओबीसी का जो सिलेक्शन हुआ था पिछली बार वो आपका 174 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हुआ है ओबीसी का, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का थोड़ा सा तो ज़्यादा होगा, मतलब अगर आपने सिर्फ जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया था तो ये पिछली बार का है, इसलिए आपको इससे ज़्यादा परेशान होना नहीं है। यहाँ पे अनरिजर्व का थोड़ा सा 185 इवन 185 मार्क्स, यानी 185 मार्क्स पे सिलेक्शन अब पिछली बार हुआ था, ठीक है। ऋषभ दुबे इनका नाम है, ठीक है। हॉली फैमिली कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांति नगर, पुराना पोस्ट ऑफिस भोपाल, भोपाल से हैं, ठीक है। तो ये पिछली बार का था, और जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा सा टफ तो होता ही है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2019-20 का परीक्षा दिनांक इतने को जो घोषित किया गया है, तो इसका परीक्षा परिणाम है किसका, 19-20 सेशन में जो हुआ था प्रथम चयन परीक्षा, यानी स्टेज वन, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो स्टेज वन में आपको ये कहाँ पर मिलेगा, आपको www.educationalportal.mp.gov.in पर आपको ये परिणाम मिल जाएंगे। बट अभी जो कैटेगरी मैंने आपको दिखाया है, मार्क्स बहुत कम जाएगा, हालांकि जो यहाँ पर जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको, ये तो टॉपर्स के मार्क्स हैं, और मिनिमम मार्क्स जो मैंने कैटेगरी दिखाए थे 175, 174 के अराउंड, 185 के अराउंड, तो ये आपका इस बार बहुत कम जाएगा, क्योंकि इस बार बच्चों ने बहुत कम बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। तो रिजल्ट का वेट करते रहिए, और आप सेकेंड स्टेज की तैयारी जरूर करते रहिए, अगर आपके थोड़े बहुत भी अच्छे मार्क्स हैं तो सिलेक्शन नेक्स्ट स्टेज में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो सिलेक्शन हुए हैं वो बहुत कम इसलिए है क्योंकि 1920 का जब एग्ज़ाम हो रहा था उस टाइम पे, जब रिजल्ट आ रहा था, तो वहाँ पे उस बार कैटे जो सीट्स थी बहुत कम थी। जितना इसने सेलेक्ट किया है 530 के अराउंड सीट तो इस बार स्कॉलरशिप के लिए हैं, तो इतने बच्चों का पहले 200-300 के लगभग सीट होते हुआ करती थी, तो उन्होंने जस्ट डबल इतना सेलेक्ट किया था, बट इस बार और भी ज़्यादा सिलेक्शन करेगा क्योंकि सीट्स आज बहुत ज़्यादा हैं, इतने बच्चों को तो स्कॉलरशिप ही देनी है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।